अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। कैसे भाई आप लोग? एक बार फिर आपका भाई आ गया है व्लॉगिंग करने। आज तो भाई हम लोग आ गए हैं लाइट हाउस पे। लाइट हाउस जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पे साइकिल्स, जूते, चप्पल वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। तो भाई यहाँ की लाइट हाउस का पता चला, यहाँ पर एक है 40 साल पुराना एक दही भले समोसे वाला। तो भाई आपका तो भाई तो पता है, आपको फूट हंगर ही है। तो पहुँच गया भाई फूट हंगर के लिए, पता लगा 40 साल पुराना समोसे दुकान, और मैं लड़के और समोसे ना छोड़े तो हो सकता है। तो भाई आ गए भाई, ये सारे पीछे आ गए, समरीना दही भले एंड समोसे वाला जो है आ गया, ये मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो इसके जो आज हम खाने वाले हैं, क्या चीज़ खाने वाले हैं, इसके आप समोसे की चाट खाने वाले हैं और दही बड़े की चाट हम खाने वाले हैं। तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी से इनकी समोसे की चाट खाते हैं और दही बड़े की चाट खाते हैं और देखते हैं कैसा मिलता है और कैसा टेस्ट है इनका। आ जाए, ये इनके रेट लगे हुए हैं। तो भाई ये इनके दही बड़े बने हुए यहाँ पे, ये इनकी चना चाट और ये इनके समोसे हैं। तो उनका तो सुना था कि ये अराउंड 1970 से जो है ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1970 से आज हिसाब लगाया जाए तो 50 साल तो मेरे ख्याल हो चुके हैं 1970 से। तो बस अब खाते हैं और देखते हैं भाई। भाई एक एक जो है समोसे की चाट और एक दही बड़ों की चाट, ये लगा दें जल्दी से भाई, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने दे दिया है यहाँ पे, समोसे की चाट और दही बड़ी की चाट लिए। तो ये आ गए दही बड़े हमारे। ये आपके भाई के आ गए समोसे, ये समोसे में समोसे तोड़े हैं, छोले डाले इसके अंदर। फाइनली वह आपके भाई की दोनों चाट आ चुके हैं। आपके भाई ने समोसे की चाट ऑर्डर दे दी है, दही बड़े भाई ने बोले थे दही बड़े आ गए। तो पहले क्या ट्राई करते हैं, पहले हम ट्राई करेंगे समोसे ट्राई करने के बाद फिर हम ट्राई करेंगे हमारे दही बड़े। तो इंतज़ार तो हो नहीं रहा, शाम का टाइम है, 5 बजे टाइम आपको पता चला था, 5 बजे टाइम होता है नाश्ता राजी शाम का। तो बस इंतज़ार करते हैं, बस ये खाना शुरू करते हैं हम। तो ये इनके समोसे हैं, ये देखें बहुत याद है मुझे तो, टेस्टी लग रहे हैं देखने से। तो बस अब खाते हैं और खाना शुरू करते हैं। सुपर में इनके जो समोसे बने हुए हैं, इन्होंने मुझे दही डाला, इसमें मीठी चटनी डाली, मसाला डाला और बिल्कुल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाए हुए समोसे हैं ये, बहुत ही क्लास के हैं ये। बिल्कुल एंड बने हुए मिर्ची वगैरह मैं हिसाब का हूँ, मसाले वगैरह जो है सब परफेक्ट है, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं। इनके चाट है सब होते मिर्ची तेज आती नहीं, उसमें क्या है मिर्चें भी जो है तेज है नहीं, बहुत ही परफेक्ट बने हुए। दही बड़े का मैं टेस्ट करता हूँ अगर, वैसे जो दही बड़े हैं इसमें दो तरीके आते हैं, होते हैं जो हमारे जो नमकीन दही बड़े होते हैं और सेकंड होते हैं जो मीठे दही बड़े होते हैं। तो मैं जो शौकीन हूँ मीठे दही बड़ों का शौकीन हूँ। दही बड़े जो मने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मने में नहीं बड़े भी, दही जो है बहुत अच्छा है, यानी बिल्कुल पतला दही नहीं है। दही के जो बड़े हैं, जो बड़े मेन फुलकियाँ जो होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट है, अंदर कोई गुठली वगैरह का भी महसूस नहीं हो रही, कुछ सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है उमदा बनी हुई चीज़ है ये। समोसा जो है एक्स्ट्रा तो हिसाब किताब लगाया जाता है समोसों का हम मर्दों से, कि जब भी शाम होती है ऑफिस वगैरह में हों हम या भी बाहर हों, तो शाम का टाइम है, चाय वगैरह का पीने का टाइम हो रहा है। तो भाई तो मैंने जहाँ तक याद करा ऑफिस में मैं होता हूँ, ऑफिस में मेरा रोज़ डेली बेसिस शाम का जो है समोसा खाना लाजमी है। मेरे ऑफिस में समोसा वाला आता है, वो 40 रुपये का समोसा देता है, हम खाते ही लाजमी। तो मैं तो था समोसा का शौकीन भाई, मैं लाइट हाउस के आपको पता है मेरा घर जो है पाकिस्तान चौक की तरफ है और मेरे घर की करीब इतना पुराना निकला है, मुझे पता ना हो, मैं तो जब भी भागा भागा यहाँ पर आया उनके समोसे मैंने ऑर्डर करे। चार्ज जो बनी हुई इनकी
बहुत ही उमदा तरीन चाट बनी है। मैं अगर कहूँ यार मज़ेदार नहीं आई, मज़ा नहीं आया, ऐसा नहीं है, अच्छी चाट बनी है। फाइनली समोसों की चाट तो ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा लजीज बनी थी। गरीब बात होता भाई, खाने की चाट जो है आपके भाई जो है हमेशा तारीफ करता, कभी किसी खाने की बुराई नहीं करता। तो लिटरली ऐसा बताऊँ, समोसा जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ था। दही बड़े मैंने टेस्ट करें, दही बड़े अब मैं खाने जा रहा हूँ, टेस्ट मैंने करके बता दिया था, बहुत ही ज़्यादा लजीज दही बड़े बने हुए। ये दही बड़े हैं, छोले डाले उनके ऊपर। दही बड़े जो है ना भाई, मीठे की ज़बरदस्त है, मीठे जो है बहुत ज़्यादा उमदा होता है, बहुत ज़्यादा मज़े के लगता है भाई मुझे तो। मैं दही बड़ों उसके ऊपर जो है पापड़ी और छोले वाला डले हो, मसाला डले हो और टेस्ट आ रहा हो खट्टा मीठा का, ओहो एंड हो जाता है भाई बिल्कुल इसमें तो। ये बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर जो होता था ये होता था कि रमज़ानों में मनाए जाते थे, रमज़ानों में ज़्यादा लोग खाए जाते थे, लेकिन यार नॉर्मल डेज में दही बड़े जो है आपको सिर्फ ऐसे भी आते किसी स्पेशल ओकेजन में मिलेंगे, कोई स्पेशल ओकेजन मंगाया चल रहा है तो वहाँ मिल जाएंगे, घर पर दावतें जावतें हो रही तो वहाँ घर वाले बना लेंगे। तो मैं तो स्पेशली ऐसे दही बड़े खाने और समोसे खाने यहाँ पर आया था, हमारे दोनों मैंने चीज़ें खाई, दोनों के पैसे मैंने आपको दिखा दिए। दही बड़े की जो चाट थी वो 120 रुपये की है और आलू की 110 रुपये की, यानी टोटल हो गए हमारे 230 रुपये, 230 में बेस्ट है यार ये। तो वो समोसों की चाट भी बहुत ज़्यादा क्लास की है और दही बड़ों की चाट भी बहुत ज़्यादा क्लास में ही है। तो भाई माशा तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, माशा तो भाई ने जो है आपके जो ऑनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की। ऑनर नेम शान है आके, जो बहुत ही माशा तो प्यार इंसान है, बहुत ही प्यारे शख्स है। तो मेरी उनसे बात होने जा रही है, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह कहाँ से स्टार्ट किया और माशा किस तरह इनके आइटम जो इन्होंने बढ़ाने शुरू करे। तो बिल्कुल मेरे साथ ही खड़े हैं ये। अस्सलाम शान भाई। वालेकुम सलाम शान भाई, ये मुझे बताएं कि कब स्टार्ट हुआ, किस तरह स्टार्ट हुआ, पहला आइटम ने क्या रखा था यहाँ पे? दही बड़े से स्टार्ट हुआ सर। दही बड़े से स्टार्ट हुआ माशा, दही बड़ों से फिर आप आगे क्या समोसों पर आए थे? दही बड़ों से मिठाई है, समोसे हैं, खीर है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है, सब आइटम है। भाई ये कहने के इन्होंने जो स्टार्ट किया था दही बड़ों से स्टार्टिंग हुई थी इनकी, माशा 1970 से इनकी स्टार्टिंग हुई है, 1970 से आप लगा लें आज हो गया 2023, यानी कि अराउंड 53 ईयर्स इनको ये करते हुए माशा से हो गए। और इनका जो स्टार्टिंग था दही बड़े थे, दही बड़ों से उन्होंने अभी माशा से मिठाइयाँ रखी, मिठाइयाँ मैं दिखा देता हूँ। इनमें इनके पास जो है गुलाब जामुन भी हैं, चमचम भी है, लड्डू रखे हुए हैं, ये मोतीचूर के लड्डू, हलवा वगैरह रखा हुआ है, ये इनकी गुलाब जामुन है। तो माशा से भाई भाई ने इन्होंने गुलाब जामुन दिए, गुलाब जामुन खा के टेस्ट करके बता रहा हूँ, ज़बरदस्त है भाई। 110 स्वाद है भाई मिठाइयों में, मैं कह रहा हूँ मिठाई वो होता है जिसमें ना तो ज़्यादा मीठा हो ना तो मीठा कम हो, बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट होगी तो ही मीठा ज़बरदस्त बनेगा। अरे जो गुलाब जामुन होती है वो बहुत ज़्यादा मीठा डाल देते हैं तो मुँह पा के लग रही होती है, यानी कि थोड़ा मीठा अलग पा के लग रही होती है, कुछ होते हैं मीठा बहुत कम होता है। लेकिन ये जो मैंने गुलाब जामुन खाई है मान लेते हर चीज़ लेवल की बराबर की, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई। तो भाई मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ही गरीब इलाका है तो आपको मशहूर इलाका, किसी से पूछे कि आपको लाइट हाउस जाना है, लाइट हाउस पे आप आ जाए, किसी भी यहाँ पे जूतों की मार्केट है, मेन सिटी कोर्ट यहाँ पे करीब में है, सिटी कोर्ट आप बोलते हैं लाइट हाउस में, यहाँ पे उनका जो नाम है समरीना दही वाले हाउस है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मैंने तो आजकल ये पाप जाकर खाएँ और ट्राई करें, मुझे भाई को बताएं कि आपके भाई ने जो रिकमेंड करा आपको सही रिकमेंड करा है या गलत रिकमेंड करता है, रिकमेंड कर रहा है। तो फिर अभी चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियोस आने जिसमें आपको देखना है लाजमी, और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाइक भी करना है, सब्सक्राइब आप करेंगे भाई आपको लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।